मेरा कॉन्फिडेंस इन अ वे थोड़ा सा ना डाउन हो रहा था. ओ माय गॉड, जस्ट अमेज्ड विद द रिजल्ट. अगर आप भी अपने चेहरे को ग्लोइंग, पिगमेंटेशन फ्री, डार्क स्पॉट्स फ्री, एक्ने फ्री या इस टाइप का प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है. वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा रीसेंट फेस पैक जो मैंने एटलीस्ट फॉर अ वीक ट्राई किया एंड आई वॉज जस्ट अमेज्ड विद द रिजल्ट. एंड सी एक्चुअली मैं हूँ कॉन्टेंट क्रिएटर, लेकिन उसके पहले हेलो ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज निधि और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मिराकुलस फेस पैक के बारे में जो मैंने अपनी स्किन पे ट्राई किया, अच्छा लगा इसलिए फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. अगर आपकी स्किन सफ़र कर रही है मेरी तरह, लाइक क्या हुआ, मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट क्रिएटर होने की वजह से और जिसमें कि मैं ब्यूटी, फैशन, मेकअप सारा ही कंटेंट ट्राई करती हूँ, राइट. तो कंटेंट क्रिएटर होने की वजह से मुझे बहुत सारे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स भेजते हैं टू ट्राई ऑन, जो भी उनके न्यू लॉन्चेस होते हैं या जो रीसेंट लॉन्चेस होते हैं या जो भी होता है वो मुझे भेजते हैं, राइट. और खुद मैं खुद से परचेज करके ट्राई करती हूँ ताकि मैं आपको उसका रिव्यू दे सकूँ. नाउ अब हर चीज़ तो हम अपने स्किन पर ट्राई करेंगे तो स्किन एक टाइम के बाद ना बोल जाएगी. अगर मेरी लेट्स से स्किन ड्राई है तो अगर मैं उस पर कोई ऑयली किसी ब्रांड ने लेट्स से ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट भेज दिया और मैंने ट्राई कर लिया, या ड्राई स्किन का होने के साथ साथ ऐसा भी हुआ कि वो मेरी स्किन पर सूट नहीं किया, तो हो सकता है ना कि मेरी स्किन फिर क्या होता है ना, डल होने लग जाती है, एक्नेज और ये सब चीज़ें होने लग गई थी. मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इन अ वे थोड़ा सा ना डाउन हो रहा था. सो उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मुझे पता था कि एक चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है. बिकॉज सी अब वो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो इंग्रेडिएंट्स होता है केमिकल्स भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपको नहीं पता होता बहुत बारी कि आप क्या लगा रहे हो. DIY एक ऐसा सोर्स है ना, मतलब आप खुद से क्रिएट करके आपको पता होता है कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो आपने क्या डाले हैं, उसका आपकी स्किन पे क्या इम्पैक्ट होगा. और कोई भी DIY का ना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, ये मुझसे आप लिख के ले लो. क्यों? क्योंकि मैं पहले DIYs करती थी ना, तो आई हैड अ वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड ब्राइट स्किन. मतलब ऐसा डलनेस नहीं होता था, वो पिगमेंटेशंस नहीं होते थे, वो ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स और पता नहीं क्या 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 क्या. तो इसलिए फिर मुझे लगा कि माई DIYs आर द बेस्ट. और बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, तो जिनका मैं आते आते टाइम पे रिव्यूज़ करती रहूँगी, जो जो मुझे अच्छे लगेंगे. ओ माई गॉड, चलो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में देखते हैं मैं कौन सा फेस पैक लेकर के आई हूँ आपके लिए. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाय राम कितना बोलती हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है. एनीवे चलो वीडियो को शुरू करते हैं. इस DIY को बनाने के लिए मैंने लिया है मसूर की दाल. मसूर की दाल आपके स्किन को ना बहुत ग्लोइंग बनाती है. फिर मैंने ऐड किया है इसमें गुलाब के लीव्स, अगर आपके पास ड्राई है तो वो भी डाल सकते हो, फ्रेश है तो वो भी डाल सकते हो. इसमें फिर मैंने लिया है दूध, दूध मेरे पास उबला हुआ था मैंने वो डाला है, और आप इसमें डालोगे गुलाब जल और फिर इसको आप ढक करके रख दोगे एक घंटे के लिए, राइट. उसके बाद अब आपको मैं अपनी स्किन दिखा रही हूँ कितनी बेकार सी लग रही है. बीच में ही दिखाया मैंने अपनी स्किन को. वैसे एक घंटे के बाद आपको क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना है और मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से आप देखोगे ना ये मसूर की दाल थोड़ी सी ना मतलब ऐसे सौगी सी हो गई, तो मिक्सर ग्राइंडर में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी. इन सबको आपको डाल लेना है मिक्सर ग्राइंडर में और ग्राइंड कर लेना है, ठीक है. अब ये हमारी ग्राइंड हो चुकी है, ऐसा सा पेस्ट बनेगा, मतलब थोड़ा सा लिक्विड ही रहेगा बिकॉज हम इसमें मिलाएंगे कुछ पाउडर्स. अब पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है काओलिन क्ले का, एक ब्रांड है एस्टेक, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं. आई टेल यू, ये ना एकदम ऐसा वाला क्ले है ना, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है स्किन पे. तो मैंने इसमें ना 4 स्पून्स जो भी मैंने प्रिपरेशन तैयार करी है, DIY तैयार किया है मसूर की दाल और वो रोज़ पेटल वाला, मैंने 4 to 5 स्पून्स इसमें एक बोल में, सेपरेट बोल में मिक्स कर लिया है काओलिन क्ले के साथ. अगर आपके पास काओलिन क्ले नहीं है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बेसन डाल सकते हो, मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हो. बेसिकली हम इसे पेस्ट टाइप बनाना है, राइट. और जो बाकी बच जाता है ये मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी सो दैट मैं ये इसे यूज़ कर सकूँ टाइम टू टाइम. लेकिन अगर एक हफ्ते के लिए बनाना है मुझे तो ये आपका ना 2-3 दिन तक पैक आराम से चल जाएगा. एंड देन हमें क्या करना है, ये इस टाइम पे ना मेरी स्किन 2 दिन हो चुके थे मुझे यूज़ करके,
और बहुत ही जब मैं फर्स्ट वीडियो पर दिखाया था वो बड़ी ही गंदी लग रही थी वहाँ पे स्किन, तो मैंने दो दिन हो चुका था तो मेरी स्किन काफ़ी ग्लोई सी लग रही थी। इसके लिए दैट्स वाई आई वॉन्टेड कि ना मैं एक बार खुद पे ट्राई करूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊँ। अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन सारे इन्ग्रीडियंट से होता क्या है। जैसे मसूर की दाल है, मसूर की दाल आपकी स्किन को ना ग्लोइंग बनाती है। इसका फेस पैक, अगर आप इतना सारे इन्ग्रीडियंट नहीं डालना चाहते हो ना, तो आप इसको सिर्फ मसूर की दाल को आप दूध में भिगा के, रोज़ वाटर में भिगा के, सिर्फ नॉर्मल पेस्ट बना करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इतना सारा स्टफ डालना है, बट देन अगर आप ये सारी चीज़ें डालोगे तो आपकी स्किन पे और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं उसका इम्पैक्ट आएगा, राइट। ये आपके चेहरे पे जो मुहासे हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको भी हटाने का काम करती है। और ये ना पता है एक्ने हो जाता है ना स्किन पे, उसको भी हटाने में ना बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ज़रा मेरी ना बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ को ना इग्नोर करना, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती और वीडियो बनाते वक्त ना कुछ ज़्यादा ही इनकी आवाज़ें आती हैं। अच्छा जो रोज़ पेटल मैंने डाला है इसमें, रोज़ पेटल का क्या काम है, ये ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। ये आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन में एजिंग और जो रिंकल्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, आपके डार्क सर्कल्स को सही करता है। अगर सी अभी तो मैंने ना रोज़ पेटल को इस सारे चीज़ों में मिक्स करके डाला है, आप पता है क्या कर सकते हो, फ्रेश रोज़ पेटल्स लो या जो ड्राइड है उनको भी ले सकते हो। आप उनको ना भिगा लो, दूध में भिगा लो, और आपके डार्क सर्कल्स अगर हो रहे हैं ना तो डार्क सर्कल्स पे ऐसे जैसे अपन क्यूकम्बर नहीं लगाते हैं वैसा पैच लगा लो और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद फिर ना फेस वॉश कर लो, तो धीरे धीरे करके ना आपके डार्क सर्कल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। रोज़ पेटल तो आपको पता ही है टोनिंग का भी काम करता है, रोज़ पेटल के टोनर्स इतने फेमस है पुराने ज़माने से ही। अच्छा थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा जो हमने डाला था इसमें, वो डाला था दूध। दूध तो पहले ही वाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करता है, आपके स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है, आपको सनबर्न हो जाता है, सन डैमेज हो जाता है उसकी वजह से, लेट्स से बहुत आना जाना होता है बाहर तो उसकी वजह से स्किन डल हो जाती है, तो उसको भी यू नो इम्प्रूव करता है आप। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट था वो था काओलिन क्ले। अब क्या ही बोलूँ मैं इस क्ले के बारे में, ये क्ले मेरा रीसेंट फाइंड है, आप समझ लो रीसेंट मैंने इसे लाइक आई मीन 1 ईयर, बट देन मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई कभी। काओलिन क्ले एक्ने होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ड्राई स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और पता है द बेस्ट पार्ट अबाउट काओलिन क्ले इज़ ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, जो आपके स्किन में जितने भी अगर इम्प्योरिटीज़ और डेड सेल्स आ रखे हैं जो भी है वो सब ख़त्म करता है और माशाल्लाह हो जाती है स्किन। आपको इसको रखना है 15 मिनट और फिर आपको फेस वॉश कर लेना, इसे ज़्यादा मत रखना। देख रहे हो स्किन कैसे चमक रही है मेरी, मैं बोल तो रही हूँ ना आपको 7 दिन लगाया है मैंने इस फेस पैक को, और स्किन मेकअप करती थी ना तो वाह वाह हो जाती थी स्किन। So I hope you enjoyed watching my video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share and baki sare details description box mein honge, aap check kar sakte hain. Thank you so much for watching. Bye bye.